हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे हैं। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 का फोर नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और उसका ऑप्शन में हम लोग को दे दिया है ए को 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री और सी टेन 60 डिग्री और डी में साइन 30 डिग्री। हम लोग को ये दे दिया, तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सबका वैल्यू पुट कर देना और जितना था वो देखना है तो किसका वैल्यू था, को 60 का या साइन 60 का या टेन 60 या साइन 30 का। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे 2 टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 को 2 लिख देंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 बाय रूट 3 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 3। लेकिन इसमें स्टूडेंट स्क्वायर, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग का 2 इंटू 2 को इससे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय रूट 3 डिवाइडेड हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस और 1 माइनस और ये हो जाएगा हम लोग का इसका 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, यानी कि रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रूट 3 अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाके 3 हो जाता है। इसी प्रकार अगर 5 भी है तो ये हो जाएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल और ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 7 सबका ऐसे ही चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का 3 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1। एलसीएम लेने तो आप सभी को आता ही होगा कैसे इसको जोड़ा जाता है। अब चलिए स्टूडेंट समझ देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 माइनस 1 है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 बाय 3। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, डिवाइड में है इसको इनटू में चेंज कर देंगे इनटू में, तो क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर चले जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, 3 बाय 2 हो जाएगा। तो ये टू कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, क्या बचा हम लोग का 3 बाय रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग 3 को, इस 3 को हम लोग रूट 3 इनटू रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू हो जाता है 3। इसी प्रकार से रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 हो जाता है, ऐसे ही रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू 5 हो जाता है। तो हम लोग ने कर दिया, अब देखिए रूट 3 कैंसिल, ये कितना आ गया हम लोग का रूट 3। अब रूट 3 इन चारों में से किसका वैल्यू होता है, इन चारों को 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री या टेन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री, तो रूट 3 होता है टेन 60 का। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का कितना आ जाएगा टेन 60 डिग्री। तो थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।